आ गई। एम्बुलेंस लोग क्यों चले हैं पीछे, तो पेशेंट भी है भाई अंदर, पुलिस भी आई हुई है। अरे यार आ जाओ, पिज़्ज़ा ठंडा हो गया रेडियो स्टेशन से बाहर। कमाई से क्या खरीदा, एक कॉमिक्स। सारा कितना सुंदर बना हुआ है, और मुझे वैसा ही लग रहा है जब हम दुबई गए थे ना। मैं आ रहा है अभी, अब तो मुंबई में ऐसे डिब्बे वाले तो नहीं मिलते, मुंबई डिब्बा वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खाटी व्लॉग। और आज पता था मैं घूम रही हूँ, मैं घूम रही हूँ घाटकोपर में आर सिटी मॉल में। और ये रही परी, ये रहा ओजस, और ये रहे पंकज। हम आए हैं किड्ज़ेनिया। किड्ज़ेनिया आपको तो पता ही होगा जो मुंबई में रहते हैं, ये हैं बच्चों के लिए खेलने की जगह, जैसे टाइम जोन टाइम। तो चलिए चलते हैं फटाफट, आज बहुत मस्ती करते हैं क्योंकि ये है लॉन्ग वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी ही छुट्टी, तो चलिए चलते हैं। ये रहा किड्ज़ेनिया, बाहर से दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, पहले तो उनसे परी बात कर तू जाके। ये रहा किड्ज़ेनिया, और यहाँ पर एक्चुअली हम आए हैं ओजस के कोलैब के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी बना लूँ, तो अभी बात कर लेते हैं अंदर। अंदर आपसे मिलती हूँ, पहले हम पता कर लेते हैं जिनके रेफरेंस से आए हैं, वो सब देना होता है टिकट वगैरह। हम किड्ज़ेनिया में, यहाँ पर हमें ऐसे वॉच टाइप पहना दिया है क्योंकि जो अंदर जाएंगे उन्होंने पहना हुआ है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ से ये है सारा कितना सुंदर बना हुआ है, और मुझे वैसा ही लग रहा है जब हम दुबई गए थे ना मैं और ओजस। मैं यहाँ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, आप देखते जाइए बस, मज़ा। बच्चों को ऐसा दे दिया है टिकट, अब ये जाएंगे बैंक, और यहाँ से मतलब अमाउंट यहीं का ही लेना है, जो पैसा से हम एटीएम से निकालते हैं ना, ऐसे इनको टिकट्स दे दिए हैं, अब यहाँ से पैसे निकाल के, और जो भी इनको गेम्स खेलनी है या अगर कुछ खाना है और वो मिलेगा। तो लैब में तो अलग से रहता है टिकट, क्योंकि इसमें इनका फूड भी है और सब कुछ है, बट अगर आप आएँगे टिकट में तो यहाँ पर आपको ऐसे टिकट मिलेगी और आपको अंदर पैसे निकालने होंगे बैंक से। वाह, वो देखो सामने सब दिखाऊँगी मैं आपको, तो बने रही है, अभी ओजस जा रहा है बैंक। बट यहाँ पे ऐसा लंच टाइप नहीं होगा ना, एक्चुअली मैं और पंकज एक ही टाइम खाना खाते हैं, तो हम सोच रहे हैं फटाफट अपना लंच के लिए, वैसे मैं लंच लेके आई हूँ बट यहाँ पर आना था तो, और यहाँ पर सलून भी है, कर रही हूँ मैं। ये रहा IDFC बैंक, जो बच्चों को टिकट दिया है अंदर जाकर ATM की तरह देंगे, मुझे लगता है बैंक वाले ही अंदर जा। परी ने और ओजस ने दोनों ने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, अब चलते हैं शॉपिंग पर। कितना है? 50 नहीं 200 है, 50 है, 200। तेरा कितना है? चलो डिस्कशन हो रही है आज पैसे कितने हैं और कितने खर्च करने हैं। चलो दिखाओ, ऐसे आपको पेपर मनी नहीं देनी है, यहीं पर यही यूज होंगे बस। अब ऊपर भी है फर्स्ट फ्लोर पे, वो भी देखते हैं, हम पर नीचे रह गए हैं। अब बच्चे जो ये टिकट वाले पैसे मिले हैं, जो इन्होंने अमाउंट मिला है इनको बैलेंस, उसी के थ्रू यहाँ पर खाएंगे और खेलेंगे। पूरा कैफेटेरिया है, भेजा फ्राई, अरे वाह, सलाम बॉम्बे, अगर आपको अंदर भी खाना है तो खा लीजिए। वैसे 200 सबको हमें टिकट में मिला हुआ है, बट हम लाए भी हैं, सोच रहे हैं क्या खाएँ। सभी को टिकट में होता है, अच्छा आपकी टिकट में ही होता है फूड, क्योंकि आप बाहर से ला सकते हैं। वही तो बोल रही हूँ, ये जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर में गए, अवेल अ जॉब दैट सूट्स योर पैशन एंड स्किल बाय बिल्डिंग, ऐसा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पर अभी गए हैं दोनों, दोनों कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं कि बाहर कोई जॉब के लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा, हमें भी ऐसा कोई जॉब करके कुछ पे करना कमाना है पे सैलरी वगैरह के लिए, कुछ फॉर्म टाइप फिल कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाहर जाए। भीड़ तो बढ़ती आ रही है अंदर, बच्चों की रश हो गया, और हर जो भी करना है ना वहाँ पर पहले से ही लाइन है। वो देखो सामने जो है, वहाँ के लिए भी इतने बच्चों ने पहले बुकिंग कराई है, तब हो रहा है, यहाँ
वहाँ पर क्या है फायर डिपार्टमेंट सिखाएंगे बच्चों को अंदर, मतलब जो बेस जो जॉब रहती है ना डॉक्टर की, बार्बर की, हर किसी चीज़ की, वो बताते हैं बच्चों को। मुझे लगा असली बच्चा लेटा हुआ नकली। यहाँ पर कौन है जी? यहाँ गेम्स हैं, टून्स एनिमेशन, यही है बड़ी एनिमेशन स्टूडियो, बता तो दो ना उनको, टर्न लग जाए आपको, जाओ ना अंदर। और बंदा चला गया, इनका जो फर्स्ट वर्क है वो कुछ एनिमेशन का इन्होंने लिया उस टिकट से जो इन्होंने अंदर बैंक से पैसे निकाले थे ना, तो टून्स एनिमेशन करके है। यहाँ पर कुछ करेंगे, जैसे एनिमेशन आपने कभी किया होगा, कार्टून कैसे हमारे वर्क करते हैं, व्हाट इज़ एनिमेशन, ये सब सिखाने वाले हैं इनको। तो बच्चों को ही काम है, मैं और पंकज बाहर ही घूम रहे हैं, पंकज ये खड़े हैं बरगद के पेड़ के नीचे। और फिर उनको एक साथ चलाएंगे, पहले दूर फिर पास फिर पास, उसको असेंबल करेंगे, बाद में जब वो उनको कार्टून को चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो चल रहे हैं बोल रहे हैं। ऐसे ही बनता है, मैंने भी जो कार्टून बनाना सीखा था, एनिमेशन सीखी थी, वो ऐसे ही सीखी थी। वो देखो ऐसे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं ना, ऐसे ही एनिमेशन होगा। कैसे बनाया? नहीं तुमने पूछा था कौन सी वेबसाइट में बनते हैं? मंकी जैम में। अरे ये सब तुम भी ट्राई, मैंने किया था एक, मैंने सीखा था ये चंडीगढ़ में। अब क्या कर रहे हो? अच्छा कितने कमाए दिखाओ जैसे? 10 सेंट। दूर से दिखाओ ना थोड़ा। चलो अभी जाएंगे रेडियो स्टेशन नेक्स्ट, जो इनको मतलब जो इन्होंने जॉब वर्क माइप के फॉर्म फिल किया था उसमें 3-4 काम थे, वो काम करेंगे, उसके बाद इन्हें सैलरी मिलेगी और पैसा कमाने का चांस है। ये छोटा सा इन्होंने पेट्रोल भरवाने के लिए भी किया हुआ है। यहाँ बच्चों को दिखा रहे हैं कैसे डिलीवरी करते हैं DHL पे, न्यूटेला। फायर ब्रिगेड आ गई भाई। बच्चे बैल बजा रहे हैं। हो गया ये भी कर लेना। कहाँ आग लगी है? वहाँ सामने। अच्छा ये फायर ब्रिगेड आके यहाँ रुकती है, होटल में आग लगी है, यहाँ से बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे आग बुझाते हैं। वाह जी वाह। तो अभी टाइम है, पहले कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि बहुत भूख भी लग रही है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर पंकज लेने गए हैं जो हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा। हाँ तो हम दोनों तो डाइट पे हैं तो ज़्यादा खा नहीं सकते भाई, तो लंच कर लिया। अब ढूंढती हूँ बच्चे कहाँ हैं, वो दोनों पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे के उनका रेडियो स्टेशन का टाइम हो गया था। हाँ भाई वो बैठे हैं दोनों, अगर अलाउड नहीं है तो मैं यहीं खड़ी हूँ। हाँ हाँ थैंक यू। दोनों तो अंदर बैठ के, जैसे कि आपने देखी, आप देखते हैं पंकज का लंच हो गया है कि नहीं। एक्चुअली वो एक ही टाइम लंच करते हैं तो प्रॉपर आराम से बैठ के लंच करते हैं, और वैसे भी आज तो ये डोसा वगैरह खाना पड़ गया, अदरवाइज हम घर का ही खाते हैं। दोनों के दोनों अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ इनका पिज्ज़ा भी आ गया है, इनका पिज्ज़ा भी लेके आ गए। जब मुंबई डिब्बा वाला होता है ना, डिब्बा वाले की जैसे कर रहे हैं, अभी इसने अंदर टिफिन दिया, एक टिफिन वो लेके घूम रहा है अभी। अब तो मुंबई में ऐसे डिब्बे वाले तो नहीं मिलते, मुंबई डिब्बा वाला टिफिन है, टिफिन बनाया हुआ है। अरे बच्चे क्या कर रहे हैं? डिलीवरी। अरे भाई ले आओ साइड में, एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस। लोग क्यों चले हैं पीछे? तो पेशेंट भी है भाई अंदर। जाएंगे ये पॉटरी आर्ट स्टूडियो, यहाँ पर खड़े हो जाओ, मुझे लगता है फ्री है, कोई खड़ा नहीं है, वो बच्चे ने कर लिया। क्या परी पॉटरी आर्ट स्टूडियो में क्या कर रही है भाई? परी ने क्या बनाया है? परी 4-5 तो बना ही देना मटके आज बेटा, बहुत गर्मी भी है, गर्मी में मटके का पानी पी सकते हैं। थम करके करते हैं ना अंदर, सीधा खड़ा करके, ऐसे नहीं, बस अब थम सीधे पर तो नेल्स में जाएगा। परी बन गया मटके वाली,
नेल्स है ना इतने, तभी नहीं जा रहा है। थोड़ा सा पानी लगा लो मुझे लगता है, और बाहर फिंगर से भी हाँ गोल करते रहो, धीरे धीरे कर धीरे धीरे। क्या बनाया है? दिवाली का दिया, दिखाओ भाई अपना दिवाली का दिया। लग नहीं रहा, लट्टू लग रहा है। चलो चलो भाई, पॉटरी हो गया, आप देखते हैं ओजस और कहाँ है। कैसा लगा परी? अच्छा हाथ मिट्टी में मिला के कैसे लगा? अब कहाँ है पंकज और अब देखो क्या करना है। यहाँ पर देखो, ये है कोई आइस फैक्ट्री, आइस कैंडी फैक्ट्री। आइस कैंडी कैसे बनती है वो बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को, कोट पहना दिया है यहाँ पे अंदर सिखा रहे हैं। देखो सारी कैंडी के जो मटेरियल होते हैं, वाटर मतलब उनका पानी है जिससे कैंडी बनेगी, वहाँ सामने सब दिखाया हुआ, पूरी मशीनरी कैसे होती है बता रहे हैं बच्चों को अंदर। साथ साथ मैं इनकी रील भी बना रही हूँ, ब्लॉग एक ही फॉर्म में गया। यहाँ पर है क्रू ट्रेनिंग फैसिलिटी कोई, चलो देखते हैं भाई यहाँ पर भी कौन सी क्रू ट्रेनिंग फैसिलिटी हो रही है। यहाँ सब बच्चे लाइन में हैं और अंदर एक प्लेन भी है जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। यहाँ पर ये जाने वाले अंदर फ्लाइट, कुछ फ्लाइट सिम्यूलेटर एरिया में, फ्लाइट सिम्यूलेटर एरिया में जाएंगे अभी अंदर। मुझे लगता है सर बताएंगे कि फ़्लाइट कैसे उड़ती है या फिर अंदर कैसा फील होता है, जैसे ये दिखता है यहाँ। यहीं से बनाना पड़ेगा वीडियो ऐसा। हेलो, हाय परी, अभी जाएंगे अंदर और देखते हैं प्लेन का सीन बना पाएंगे कि नहीं। बच्चे गए हैं, पूरी लाइन है, यहाँ से दिखाती हूँ आपको। बैठ गए हैं क्या? ये री परी, यहाँ भी मेकअप नहीं छूट रहा है इसका। सर वीडियोस अलाउड नहीं है तो यहीं से ही बाय बाय कर लेते, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से देखने को मिलेगा। सबमिशन कर रहे हैं ओजस परी के पास है, इमिग्रेशन ऑफिस में आ गए। हमने परी की सैलरी है, परी और ओजस की सैलरी है, चलो उड़ाते हैं। क्योंकि ये भी हमारी सैलरी उड़ाते हैं ना। परी दिखाना अपनी दोनों की सैलरी, अभी हम उड़ाएंगे, चलो परी उड़ाए। ओजस रुक जाओ, डिपार्टमेंट स्टोर में अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ खरीदने गए हैं। ले लो परी, कीरिंग ले लो, कीरिंग परी वो ले लो यार नीचे। चलो देखती हूँ मैं भी अंदर, जाने अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे। देखो परी, ओजस तुम्हारी इतनी कम सैलरी है कि तुम सिर्फ कॉमिक्स खरीद पा रहे हो और कुछ भी नहीं खरीद पा रहे, और हमें कह रहे हो तुम है कमाई से क्या खरीदा, एक कॉमिक्स। और परी को उसको दान देना पड़ा, ये जी। हम जा रहे हैं किड्जेनिया से बाहर, वो रहा पीछे किड्जेनिया, बहुत थक गए बच्चे तो झूले झूलते रहे और हम लोग खा पी के थक गए। चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, बाय।